तो ये यहाँ का हमारे बंदना का ट्राइबल मार्केट है ना, ये देख सकते हो आप लोग, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। कहाँ तो टमाटर एकदम लेने के लिए भीड़ मचा हुआ है। क्या रेट है? बस 10 रुपये किलो। 10 में कैसे झुमड़े हैं दोस्तों, 10 रुपये किलो चल रहा है। और देखो लेने वाला पूरा खाने के लिए लाइन लगे हैं एकदम। दोस्तों आप सभी को मेरे छत्तीसगढ़ी है जोहार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विलेज लाइव और मैं राजपूत हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के वीडियो है कमाल का होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को ट्राइबल मार्केट घुमाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहां से शुरू करते हैं। दोस्तों इन लोग बाजार जाने के लिए बैठे हुए हैं और एक भाई है जो बाजार से आ गया है। और ना क्या लाने हैं बाजार ले? चप्पल लाने। अच्छा, चप्पल मिठाई साफी। और हम लोग अभी निकल रहे हैं, ये हमारा एक प्यारा सा कच्चे का घर है, तो चलिए चलते हैं। और ये झोला वाला रखा हुआ है और साथ में जा रही है नोनी भी सुना रहा है बाजार जावे वे कोई बोल रहा हूँ बाजार चलने के लिए। देखते हैं अभी आप उसका घर से चल जल्दी आ। देखो इस तरह से गांव के घर हैं और इस तरह से बाहर बैठे हुए हैं और इधर बकरी सब बंधा हुआ है। उधर भी देखो कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं और अर्जुन भी आ गया। चल जल्दी चल। दोस्तों जैसे ही हम लोग बाजार आते हैं तो पहला ये दुकान मिलता है जिसमें इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है, तेल मसाला नमक जो भी है, महुआ वगैरह भी मिलते हैं। चलिए मैं आगे जानूंगा ये सब के बारे में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ जो भी सब्जी वगैरह हैं जैसे भाजी हो गए, मूली हो गए, धनिया पत्ती, सबके बीज मिलते हैं। इधर प्लास्टिक के सामान है ना। और इधर आपको मिलेंगे चप्पल वगैरह हो गए, और जो भी चप्पल है यहाँ का 50 रुपये में, छोटे से लेकर बड़े तक के लिए है ना। और अभी तो मार्केट में आया नहीं है दोस्तों, ये देख सकते हो ये है दोस्तों रस्सी जैसे बैल वगैरह को बांधते हैं। क्या का रेट है मन के? क्या का रेट है सब कर? हाँ 100 रुपये मन के जोड़ा। अच्छा और इतने इधर दोस्तों तंबाकू है, तंबाकू में दोस्तों आपको दिखाता हूँ ये कौन सा है पत्ती, बीड़ी पत्ती और वो ज्यादा है। अच्छा और ये वाला बोलते बोलते हैं गांजा लट्टी बोलते हैं। गांजा लट्टी। अच्छा ये लट्टी माखू है और ये वाला सेम मघई। अच्छा तो सबसे ज्यादा कड़क कौन सा रहता है? सबसे ज्यादा कड़क तो मीडियम में वो है, कड़ा में सबसे ज्यादा। अच्छा सबसे ज्यादा ये वाला है, उसके बाद ये है दोस्तों, उसके बाद फिर ये मिलेगा इस तरह से। और वो वाला कहाँ है? ये वाला उसी का टुकड़ा है, बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा ऐसा। दोस्तों चप्पल का दुकान है, इधर चूड़ी सब का दुकान है और इधर खटिया में जैसे तो कपड़ा वगैरह मिलते हैं। क्या रेट है भैया सब शर्ट मन के? कितने के देखे? 250 मन कर है। और इधर अंडरवियर सब है और इधर मुर्रा है ना। दोस्तों मुर्रा सबका क्या कहानी है, देखो ये मुर्रा हो गया, ये लाड़ू हो गए। और दोस्तों यहाँ ये लाई है ना, जैसे पॉपकॉर्न है ना उसको गुड़ में पूरा सान दिए। और ये कितना का है? 30 रुपया। अच्छा दोस्तों और आगे देखते हैं, इधर देख सकते हो आप लोग चूड़ी सब है। कैसे रेट है दीदी सब कर? क्या का रेट है चूड़ी बनकर? कैसे दर्जन बन सबका अलग अलग रेट है इस तरह से देखो। और अभी पहनूंगी बोल के यहाँ बैठी हुई है इस तरह से। ये देखिए कई सारे इधर चूड़ी हैं। हाँ और इधर दोस्तों ये सब कुछ कपड़े हैं, कपड़ा मार्केट इधर। कैसे नमस्कार, देखो कुछ कुछ लेने के लिए आए हुए हैं इस तरह से। ये सब इधर आपको कपड़ा मार्केट देखने को मिलेंगे। और अभी ठंड अभी तक गया नहीं है तो ये कपड़े भी हैं यहाँ, स्कूल बैग हो गए, ये सब कुछ कुछ मिलते हैं इस तरह से। कैसे देखो इस तरह से कुछ कपड़े लोग लेते हैं, इस तरह से छांटते हैं है ना। अभी महादेव आने वाला है तो उसके लिए साड़ी वगैरह भी लड़की लोग छांट रहे हैं। और इधर देखोगे सब अपने अपने लगे हुए हैं। ये देखो
यहाँ देखिए सब कोई, सब अपने अपने दुकानदार, जो पसंद दुकानदार होता है ना उसके यहाँ लेने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ भी देखो काफ़ी भीड़ है, लोग काफ़ी छांट रहे हैं कपड़ा वगैरह, है ना, इस तरह से। इधर भी दिखा रहे हैं इस तरह से। आहिर भाई कैसे? तो बढ़िया ले रहे होगी? अच्छा, गर्मी का सीजन आ रहा है तो लोग मटका लेना सब शुरू कर दे रहे हैं। कैसे है कर? 100 रुपये लेकिन। अच्छा, इन लोग को मार्केटिंग सब हो गया है, देखो इस तरह से ले लेके जा रहे हैं, है ना। और यहाँ देखते हैं आपको मटका वगैरह दिखाते हैं। क्या का रेट है मन कर? ये 100 रुपये का है दोस्तों मटका इधर। और ये हंडी, शायद हंडी मतलब दारू वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए है। देखो कहला झांझी करते हैं कि क्या बोलते हैं, झांझी ना इसको बोलते हैं दोस्तों, झांझी महुआ दारू इसी से बनता है। और ये है गुल्लक है, एक का रेट है? अच्छा, अलग अलग रेट है। और ये मन के ठेका के 100 रुपया। अच्छा दिया सब है, सबका दोस्तों अलग अलग रेट है ना। दोस्तों बांस है कुछ है, देख सकते हो सुपा सब है। और ये देखो मस्त लाल कलर का ये टोकरी है, ये क्या है? दौरा। कितना कर है यार? 160 रुपया। और सुपा मन कर 200। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तो धान रखने के लिए बड़ा बड़ा बोरा है, इसमें पूरा धान सब रखाता है। ये बैल बांधने के लिए रस्सी है, कपड़ा बेचने हैं देखो खटिया मस्त लगा के इस तरह से, है ना। इधर सोफा झाड़ू ये सब देखो। क्या रेट यार? 40 रुपया कर सब दोस्तों, 40 रुपया। और इधर कर 30 रुपया, अलग अलग रेट है। तो इतना छोटा बच्चा देखो बेच रहा है। दोस्तों आप लोग जितने देख सकते हो माला वगैरह हैं, क्लिप हो गए, और देखा जाए तो छोटा छोटा जो भी सामान है ये देख सकते हो, टिकली बिंदी धागा इस तरह से ये सब मिलते हैं, है ना। और इधर देखोगे तो ये कुछ पायल हो गए, मंगलसूत्र हो गए, श्रृंगार का A to Z है, श्रृंगार का पूरा सामान है, है ना। और क्या का रेट है पायल सब कर? मात्र 80 रुपये। 80 रुपये बस, इतना सस्ता से एकदम कम। ऐसा तो दोस्तों यहाँ बहुत ही कम रेट में आपको भाई के दुकान में मिलेगा, बंदना मार्केट में, वो भी हेलो है कि नहीं। क्या नाम है भाई आपका? आकाश सोनी। आकाश सोनी जी हैं, हमारे भाई ही हैं वैसे। और देखिए कई सारे से यहाँ आपको श्रृंगार के सामान मिलेंगे। मतलब धीरे धीरे जो मार्केट है वो भीड़ होने लगा है, क्योंकि ये शाम का मार्केट है। इस तरह से देख सकते हो आराम से धीरे 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 भीड़ होगा। यहाँ होटल सब भी हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के जो होटल हैं वहाँ क्या क्या मिलते हैं। ये देखो समोसा है, भजिया, और इधर जलेबी हो गया, सलोनी हो गए, ये सब मिलते हैं। तो यहाँ का जो 5-स्टार होटल है, अब लोग कितना चाव से खाते हैं ये आपको दिखाते हैं। क्या कहा चाचा? भजिया है, चटनी है। भजिया और चटनी खा के देख तो कैसे स्वाद है बताओ तनिक। बढ़िया है, वाह एक नंबर दोस्तों। देखो इस तरह से गांव में मस्त 5-स्टार होटल में खाते हैं। यह हमारे गांव का 5-स्टार होटल है। यहां दोस्तों मिल रहा है मक्का है, क्या रेट है मक्का? कैसे है? 20 रुपये किलो। अच्छा 20 रुपये किलो है मक्का। इस दुकान में देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ कई प्रकार के दाल हैं, है ना, ये देख सकते हो इस तरह से। और ये देखो पूरा ये दुकान है, और इस तरह से दुकान में काफ़ी भीड़ होता है ना। अब क्या है कि जो गांव का दुकान है वहाँ से लोग कम सामान लेते हैं, इस तरह से दुकान में मतलब बाज़ार में ज़्यादा लोग लेने में प्रेफर करते हैं। ये देखो अब इधर है कुछ मसाला वाला दुकान, इधर है तेल। कैसे रुपये लीटर तेल? हाँ 120 रुपये लीटर है, इस तरह से देख सकते हो ये है। और किसे ना माखुर मिश्रा था, वाह बाजार में लोग भी कहीं पास भी शुरू हो जाते हैं। जो वहाँ तंबाकू बिक रहा था ना, बस वही तंबाकू है,
इससे लोगों को क्या है कि एनर्जी मिलता है। आए? ये दोस्तों यहाँ का मैं दिखाता हूँ सब्जी सब, ये पूरा देखो, ये घर का लोकल मटर है। ये क्या है? पकड़ी क्या करते हैं कर? दोस्तों इसका सब्जी बनता है, अचार भी शायद बनता है ना। उधर है सेम लोकल टमाटर, लोकल भाजी है, देखो पूरा एकदम ताज़ा है ना। ये देखो मेथी भाजी, पूरा एकदम लोकल है भाजी भी। देखो आलू, देखो ये है हम लोग के सरगुजा का लाल आलू, पूरा एकदम देसी आलू है। ये सफ़ेद आलू की तरह अच्छा, मतलब उससे ज़्यादा मीठा लगता है ना। एक आज की भाजी है, भथुआ है। ये दोस्तों ये है भथिया, भथुआ भाजी है, मेथी, और एक कोचाई हो ना, कोचाई है। इस तरह से देखो भाटा हो गया, अरहर भी बेचता। ये कैसे है? 40 रुपया किलो। वाह। इधर मूंगफली भी देखो, देसी मूंगफली। ये देखो अलग अलग। और दोस्तों गांव सब में ना यहाँ कूढ़ा कूढ़ा में ये बिकता है, देखो 10-10 रुपये का होगा मिर्चा सब। और ये क्या भाजी हो है? बेंग भाजी। दोस्तों ये है बेंग भाजी, जिसको ब्राह्मी भाजी भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। इस तरह से देखो, इस तरह से आए मम्मी पर ले जाओ के। वाह, क्या है ये चीज़? कितना रुपये किलो है? अच्छा 110 रुपया, इतना सस्ता। दोस्तों ये है 10 रुपये का, लगभग 1-1 किलो के बराबर होगा शायद। रुक जाओ आपसे मिले जो। हाँ उसी तरह से दोस्तों ये देख सकते हो, यहाँ मनिहारी का इधर है ना, सब्जी का तो हो गया। इधर ये है प्याज भाजी, 30 रुपये किलो ना यार। दोस्तों ये प्याज का गाछी है, 100 रुपये किलो है। ये हो गया टमाटर गाछी, और ये क्या गाछी है? भाटा। और ये वाला हर बंदा गोभी। अच्छा इस तरह से तुम क्या भाजी ले? प्याज गाछी ले है। अच्छा यहाँ दोस्तों मिल रहे हैं, देखो भाटा है, 30 रुपये किलो बोले ना भाटा, 20 रुपये किलो भाटा। अच्छा कैसे ले था? नहीं। और चलो आपको मैं दिखाते जाता हूँ, इस तरह से यहाँ का बाजार सब है। ये देखो पूरा, देखो बड़े बड़े साइज के गोभी सब है, पूरा आपको लोकल है दोस्तों, पूरा ऑर्गेनिक आपको खाने को मिलेंगे यहाँ के लोकल बाज़ारों में, है ना। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से हैं, मार्केट में और गाँव में देखो साइकिल सब में भी घूमते हैं, गाड़ी का यूज़ थोड़ा कम ही होता है। ये देखो ये पूरा, किसे यार सेमी 30 रुपये किलो? 40 रुपये किलो। दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग कि किस तरह से जो दाई है वो पूरा भाजी सब बेच रही है। वो देखो आप लोग, गोभी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये कई प्रकार के भाजी हैं, और ये इनका खुद के घर का होगा। तो घर कर दो होगी? अच्छा ये दूसरा झनकर है। हाँ। बाकी तो पूरा घर कर है। अच्छा तुम्हारे घर लगाया? हाँ। अच्छा वाह, देखो गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं कि अभी वो बेचने के लिए आई हुई हैं, है ना। पूरा दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग इस तरह से, ये देखिए ये है यहाँ का मार्केट, सोपा ऊपा सब मिलेगा यहाँ। मछली कैसे दाई? काका मछली डालने से धार काका नाम है मनकर है? खोखी। अच्छा है। दोस्तों ये खोखी मछली है, और ये हर गोगिया है, और ये मन सिलवा मछली है। अच्छा और ये खोखी, वो हर कोथी। काम हो रहा है तो भीड़ और भी बढ़ते जाएगा, है ना, धीरे धीरे ऐसे ही होते जाएगा। और इधर मिल रहा है कोड़ी सब है, क्या रेट है कोड़ी मनकर? 400। और टांगी कर? अच्छा सबका अलग अलग रेट है। हाँ तो टमाटर एकदम लेने के लिए भीड़ मचा हुआ है,
क्या रेट है का? दस है? दस रुपए किलो। दस में कैसे झुमड़े हैं? अब दोस्तों 10 रुपए किलो चल रहा है और देखो लेने वाला पूरा खाटने के लिए लाइन लगे हैं एकदम तबाही टाइप से। इधर खड़ा भी है चाचा। हाँ इधर चाचा लोग तो मिले हुए थे, सब लाइन लगे हुए हैं लेने के लिए। तो ये है एकदम पूरा देसी मटर, भाटा देखो एकदम पूरा लोकल है। और इधर देखोगे तो ये पूरा सब्जी सब ना पूरा घर के ही है, देखो कितना मस्त स्वाद आ रहा है देखने में ही, एक अलग वाइब है। कुछ समूह वाले हैं हमारे गांव के दोस्त लोग ही हैं ये पूरे। कितना रुपये लेते हो यार एको दुकान का? 10 रुपया। बहुत सस्ता ले रहे हो यार, थोड़ा बड़ा बढ़ा दो। तो गांव का बाज़ार है ना, ये पूरा ठीका में लिए हुए हैं तो हर दुकान से भी 10-10 रुपया लेते हैं इस तरह से। भाई टमाटर का तो बाज़ार लगा हुआ है देखो पूरा। क्या रेट टमाटर? 15 रुपये किलो चले थे देखो। और चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे ही देखो पूरा मतलब क्या सबको देखो पाप आके घुमा रहे हैं, तो साल के अंदर लेके आ पाए हुए हैं ना। और इधर देखते हैं आगे बढ़ते हैं, टमाटर लग रहा है आज कुछ मार्केट में ज़्यादा ही आ गया है। इधर भी देखोगे तो टमाटर ही टमाटर दिखाई दे रहा है मार्केट में, है ना। ये देखो इधर भी सेम बाज़ार में लग रहा है दोस्तों आज खूब टमाटर आया है। देखो यहाँ भी कुछ सस्ता ही होगा तभी, देखो भीड़ एकदम अपरंपार है। कैसे रुपये किलो टमाटर? 10 रुपया दोस्तों, यहाँ भी 10 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं तो भीड़ देख ही रहे हो कि कितना आ गया है। ये ले रहे हैं मिर्च 10 रुपये का, और क्या मस्त दिख रहा है देखो घर का जैसा, है ना। और लगभग लगभग अपना ये भाटा भी ले लिया था मैं। और चलो अब देखो टमाटर भाई आज आया है, ये पूरा देखो ट्रे ऊपर ट्रे रखाया है। तो यहाँ 20 का समोसा बंधवा रहा है ना, यहाँ 20 रुपये में 4 पीस देते हैं, है ना। तो काफ़ी सस्ता है ये देख सकते हो, और बाकी दुकान सब में देख ही सकते हो क्या मस्त भजिया समोसा क्या गर्मा गर्म निकल रहा है। और इतना बड़ा ये देख सकते हो यहाँ है रसगुल्ला और तैयारी का दुकान देखो। और चलो और मैं समोसा इन लोग के ले लिया हूँ। शाम हो चुका है, अब लोग वापसी जा रहे हैं। इस तरह से देखो अपना पूरा मार्केटिंग वगैरह करके जा रहे हो। और ये देखो लगभग लगभग सब कोई अब वापसी ही है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये मार्केट हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बटनारा मकाम है, और मेन पार्ट से करीब लगभग वही 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबिकापुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, रायगढ़ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, और बिलासपुर से दोस्तों 250 समथिंग, रायपुर से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी अगर आप भी कभी अगर आते हो मार्केट तो आपको जरूर घुमाएंगे हमारे मन पार्ट मिट्टी के द्वारा। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो चल के तो लाइक कमेंट करके देखिए, जय हिंद जय भारत जय सिंह।